हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 6th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स भी हमने स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे नए चैनल को विजिट करिए जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे नए चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स और इसका लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 6th प्रॉब्लम कवर करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा द पॉइंट ए ऑफ लाइन ए बी इज 30 mm अबव एचपी एंड इन द वीपी व्हाइल द एंड बी इज 10 mm बिलो एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड एट 30 degree टू एचपी एंड 45 degree टू वीपी, लोकेट इट्स ट्रेसेस। तो क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलो इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कोई भी प्रॉब्लम ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना होता है, तो हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 6th प्रॉब्लम है और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी इसके 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सभी के सभी 5 प्रॉब्लम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही सॉल्व किए थे हमने। उसमें लाइन का एंड ए एंड बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे और प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व हो रहा था। लेकिन यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो लाइन का जो एंड ए है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है लेकिन जो उसका एंड बी है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये कैसे समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पोजीशन आपको पढ़ के चेक करना पड़ेगा कि एंड ए का पोजीशन क्या है एंड बी का पोजीशन क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि एंड ए ऑफ लाइन इज 30 mm अबव एचपी एंड इन द वीपी। इसका मतलब जो एंड ए है वो 30 mm ऊपर है और वो इन वीपी है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन है, ठीक है। तो इसका मतलब एंड ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा है एंड बी ऑफ लाइन इज 10 mm बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। यहां पे लिखा है कि एंड बी इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। अब ये कितना बिहाइंड वीपी है वो तो नहीं दिया है लेकिन इतना कंफर्म है कि बिहाइंड वीपी है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंड बी है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट का पोजीशन ही डिसाइड करना होता है क्योंकि पॉइंट के पोजीशन के ऊपर उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू नीचे बनता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ऊपर बनते हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू नीचे बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों नीचे बनते हैं। अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के वो सभी वीडियोस देखना पड़ेगा जो हमने इसके पहले अपलोड किए थे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट स्टडी करो, देन प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग के सभी वीडियोस देखो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फाइनली क्वेश्चन जो आपके सामने है उसका हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। हमने क्वाड्रेंट तो बता दिए कि पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट बी थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन गिवन डाटा लिखने के बाद जब हम ड्रॉ करेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे बनेगा। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में देखो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। गिवन डाटा हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना होता है तो हम लिख रहे हैं यहां पे गिवन डाटा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है एंड ए ऑफ लाइन इज 30 mm अबव एचपी। इसका मतलब जो ए डैश है वो 30 mm अबव एचपी है, तो हम यहां पे लिखेंगे ए डैश 30 mm अबव एचपी। ए डैश, ए डैश हमने क्यों कहा, क्योंकि पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ है, पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ है, इसका मतलब पॉइंट में डैश लगाना कंपलसरी है, इसलिए हमने ए डैश लग दिया 30 mm अबव एचपी। अबव इसका मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो आगे लिखा है एंड इन द वीपी, इसका मतलब जो ए है वो इन वीपी है, तो हम यहां पे लिखेंगे इन वीपी। और अब यहां पे डैश लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, देखो यहां पे डैश लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट का रिलेशन वीपी के साथ है, तो जाहिर सी बात है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोजीशन हो गया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी या इन वीपी ऐसा होता है, तो पॉइंट ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कंफर्म हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है कि पॉइंट बी दैट इज एंड बी ऑफ अ लाइन इज 10 mm बिलो एचपी। 10 mm बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। 10 mm बिलो एचपी, इसका मतलब पॉइंट का रिलेशन एचपी के साथ है, तो यहां पे फिर से डैश लगेगा। पॉइंट का रिलेशन जब भी एचपी के साथ हो तो आपको डैश लगाना कंपलसरी है, तो हमने लिखा बी डैश दैट इज 10 mm दैट इज बिलो एचपी, बिलो एचपी। और आगे लिखा है बिहाइंड वीपी, कितना एमएम बिहाइंड वीपी है वो लिखा नहीं है, बिहाइंड वीपी है
पॉइंट का रिलेशन वीपी के साथ है, इसका मतलब वहां डैश नहीं लगेगा, लेकिन कितना है वो दिया नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आगे पढ़ो तो आगे लिखा है कि लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ, दैट इज लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी एंड 45 डिग्री टू द वीपी। इसका मतलब लाइन का एंगल एचपी और वीपी के साथ दिया है, इसका मतलब थीटा और फाई दिया है। लाइन का एंगल एचपी के साथ दिया है 30 डिग्री और लाइन का एंगल वीपी के साथ दिया है 45 डिग्री। और यहां पे हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए कहा है और हमें यहां पे ट्रेसेस भी ड्रॉ करना है। ट्रेसेस का अर्थ यह है कि हमें एचटी और वीटी, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस, वो हमें ड्रॉ करना है। तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए तो आपको एचटी वीटी, इसका मतलब ट्रेसेस कैसे ड्रॉ करना, वो पूरा समझ में आ जाएगा। तो फाइनली ये गिवन डाटा आपके सामने, तो चलो अब हम यहां पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब एक्स वाई लाइन, और अब हमें पॉइंट का पोजीशन शो करना है। तो यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि पॉइंट का पोजीशन शो करना है। और अब हमें यहां सबसे पहले ए डैश शो करना है, जो ए डैश का पोजीशन है हमें वो शो करना है। ए डैश दिया है 30 mm अबव एचपी, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो ये हम 30 mm ऊपर जो है वो ए डैश का पोजीशन शो कर रहे हैं, तो ये हमने शो करें ए डैश का पोजीशन, हम इसको नाम देंगे ए डैश। और ए लिखा है इन वीपी, तो इन वीपी इसका मतलब इन एक्स वाई, तो हम ये ड्रॉ करेंगे इन वीपी, इसका मतलब इन एक्स वाई। तो ये हमने ड्रॉ किए ए, हमने यहां ए लिखे इन वीपी माने इन एक्स वाई, क्योंकि पॉइंट ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। तो ये देखिए फ्रंट व्यू का पॉइंट, उसमें डैश लगा है, ये टॉप व्यू का पॉइंट, क्योंकि इसमें डैश नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं गिवन डाटा में, आगे देखो क्या लिखा है। बी डैश That is 10 mm below HP. Below HP, इसका मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करना है। तो एक्स वाई लाइन के नीचे हम 10 mm जो है, एक्स वाई लाइन के 10 mm नीचे हम यहाँ पे ये देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये वर्टिकल लाइन पे यहाँ एक पॉइंट ले लिए, हमने यहां से 10 mm नीचे एक पॉइंट ले लिए, और अब ये पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, इसका मतलब लोकस ड्रॉ करो, जो कि बी डैश का लोकस होगा। तो वो हम यहां ड्रॉ करेंगे 10 mm नीचे, हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल। तो ये देखिए फाइनली हमने 10 mm नीचे एक लोकस ड्रॉ कर लिया, हमने उसके ऊपर लिख भी दिए लोकस ऑफ बी डैश, और ये हमने एक्स वाई लाइन से बराबर 10 mm नीचे यहां पे ड्रॉ कर लिए एक्जेक्टली एक्स वाई लाइन को पैरेलल, ये हमने लिखे लोकस ऑफ बी डैश। और अब हमने यहां पे डायमेंशंस भी लिख लिया है, ए डैश जो है वो 30 mm ऊपर है, तो हमने यहां डायमेंशन लिख लिए, ये जो लोकस है वो 10 mm नीचे है, तो वो भी हमने लिख लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे, और अब यहां पे थीटा और फाई वो हम शो करेंगे। थीटा माने क्या, थीटा माने ट्रू लेंथ का एंगल एचपी के साथ, और फाई माने क्या, फाई माने ट्रू लेंथ का एंगल वीपी के साथ। इसका मतलब लाइन इंक्लाइन टू एचपी माने थीटा होता है, और लाइन इंक्लाइन टू वीपी मतलब फाई होता है। तो यहां लाइन का एंगल एचपी के साथ दिया है, इसका मतलब यहां पे थीटा दिया है, इसका मतलब हमें ट्रू लेंथ का एंगल पता है। तो चलो यहां पे ट्रू लेंथ हम शो करेंगे, थीटा का जो एंगल है वो हमेशा ए डैश से इंक्लाइन करना है, और फाई का एंगल हमेशा ए से इंक्लाइन करना है। तो चलो यहां पे इंक्लाइन करेंगे, तो यहां पे थीटा दिया है 30 डिग्री, तो हम यहां पे 30 डिग्री का एंगल के लिए सबसे पहले यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ए डैश से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, दैट इज हमने लोकस बना लिए पैरेलल टू एक्स वाई, वो इसीलिए क्योंकि हमें यहां 30 डिग्री का एंगल लेना है। लेकिन 30 डिग्री का एंगल कहां लेना, ऊपर लेना या नीचे लेना, वो कैसे समझ में आएगा, तो वो बहुत ही आसान है। देखिए यहां पे ए डैश है और लोकस ऑफ बी डैश इधर है, अगर यहां पे बी डैश है, लोकस ऑफ बी डैश अगर ये है, तो यहां पे फ्रंट व्यू का पॉइंट भी आएगा, ट्रू लेंथ का पॉइंट भी आएगा। अगर ट्रू लेंथ का पॉइंट यहां आएगा, तो हमें जो एंगल लेना है वो 30 डिग्री का एंगल ऊपर नहीं, हमें 30 डिग्री का एंगल नीचे लेना है, क्योंकि ट्रू लेंथ का पॉइंट नीचे मिलने वाला है। यहां ए डैश है तो इधर हमें बी वन डैश मिलेगा, तो चलो हम ट्रू लेंथ का एंगल जो है वो नीचे लेंगे। तो यहां पर 30 डिग्री का जो एंगल है वो हमें अगर नीचे लेना है, तो हम प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर हम यहां ऐसा उल्टा रखेंगे और यहां पर 30 डिग्री का एंगल लेंगे। तो ये हमने 30 डिग्री का एंगल ले लिए, और अब हम यहां पे एक लाइन बना देंगे 30 डिग्री, ये जो इंक्लाइन आपने एंगल ले लिए वहां पे हम एक लाइन बना देंगे। तो ये हमने लाइन बना दिए ऐसा, ये देखिए, और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, क्योंकि हमने 30 डिग्री का ये जो लाइन है फिलहाल फेंट बनाए, तो अब हम इसको डार्क बना देंगे। हम इनडायरेक्टली क्या बना रहे हैं, हम यहां पर ट्रू लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 30 डिग्री का एंगल है ये ट्रू लेंथ का एंगल है। तो ये देखिए, ये हमने इसको डार्क बना दिए, यहां पे हम लिख भी लेंगे कि ये ट्रू लेंथ है, तो ये हम यहां लिखेंगे इसके ऊपर कि ये ट्रू लेंथ है ऐसा। और ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट को नेमिंग देंगे एट द बी वन डैश, क्योंकि ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है इसलिए। और यहां पे जो एंगल है, ये एंगल को हम कहेंगे 30 डिग्री, तो ये हमने 30 डिग्री का एंगल ले लिए। और अब हम यहां पर थीटा के बाद फाई जो एंगल है वो हमें अप्लाई करना है, फाई का एंगल, फाई जो है फिर से ट्रू लेंथ का एंगल है, जो हमें ए से लेना है हमने कहा था। तो चलो ए से आप एंगल लेंगे 45 डिग्री का, लेकिन 45 डिग्री का जो एंगल है
वो कैसे लेंगे, इसका मतलब ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे, वो कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए आप बी का पोजीशन शो करो। तो बी का पोजीशन अगर हम चेक करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है कि बी इज बिहाइंड वीपी, दैट इज यहां पे स्टार्टिंग में लिखा था कि एंड बी इज बिलो एचपी एंड बिहाइंड वीपी। बिलो एचपी है तो बी डैश नीचे आएगा, ये कंफर्म है, लेकिन बिहाइंड वीपी है इसका मतलब जो बी है वो ऊपर आएगा, क्योंकि बिलो एचपी और बिहाइंड वीपी ये थर्ड क्वाड्रेंट का पोजीशन है। तो उसमें फ्रंट व्यू नीचे बनता है और टॉप व्यू ऊपर बनता है, तो फ्रंट व्यू का पॉइंट तो नीचे आएगा इसलिए हमने नीचे लोकस बना दिए, लेकिन टॉप व्यू का पॉइंट ऊपर जाएगा, इसका मतलब जो बी है और बी वन है, जो टॉप व्यू और ट्रू लेंथ का पॉइंट है वो ऊपर रहेगा, इसका मतलब हमें एंगल यहां से ऊपर लेना है 45 डिग्री का। तो चलो हम फिर से प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, प्रोटेक्टर हम यहां पे रखेंगे और यहां पे 45 डिग्री का एंगल लेंगे, और 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री का एंगल इसका मतलब आप ट्रू लेंथ का एंगल लेंगे। तो हम अब यहां पे जो 45 डिग्री का एंगल लिए हैं वहां से हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इंक्लाइन, जो कि 45 डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये देखिए, ये हम एक लाइन बना रहे, ये 45 डिग्री इंक्लाइन, थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं लाइन को, क्योंकि यही पे हमें ट्रू लेंथ मार्क करना है। तो ये देखिए, हमने 45 डिग्री एंगल पे ये लाइन बना दिए, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो हम यहां लिखेंगे भी कि ये 45 का एंगल है। ये देखिए, ये 30 डिग्री का एंगल था और ये 45 डिग्री का, और अब हमें यहां पे ट्रू लेंथ का लेंथ मार्क करना है। तो ट्रू लेंथ का लेंथ जो है, ये देखिए, ट्रू लेंथ का लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है यहां नीचे में, ये देखिए a' b1' डैश, ये ट्रू लेंथ का लेंथ है। हम ये लेंथ कंपास में ले लेंगे, ये देखिए ये लेंथ हमने कंपास में ले लिए, ये ट्रू लेंथ का लेंथ हमने कंपास में ले लिए, और अब इतना ही लेंथ आपको यहां पे रख के, ये ए पे रख के आपको इधर, आपको ये लाइन पे आपको कट करना है ट्रू लेंथ के लाइन पे। तो ये हम कट करेंगे, तो ये देखिए यहां पे हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल गया, तो हम इसको नेमिंग देंगे एज अ बी वन। तो हमें ट्रू लेंथ का पॉइंट मिल गया, और अब ये लाइन को जो है हम थोड़ा डार्क बना देंगे ताकि वो उभर के दिखे, क्योंकि ट्रू लेंथ, दोनों ट्रू लेंथ और फ्रंट व्यू टॉप व्यू को डार्क करना होता है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क बना देंगे। तो फाइनली हमने यहां ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर लिए, और अब हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू का लेंथ फाइंड आउट करना है, क्योंकि फ्रंट व्यू टॉप व्यू और दो ट्रू लेंथ, ऐसी टोटल चार लाइंस ड्रॉ करना होता है, तो उसमें से दो लाइन बन गई। अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा देखिए, इतना तो कंफर्म है कि ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है बी वन डैश, तो इसी के लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू का पॉइंट होगा, क्योंकि हमने इसके पहले आपको रूल्स के टाइम बताए थे कि फ्रंट व्यू का पॉइंट और उसके साइड का ट्रू लेंथ का पॉइंट हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं। ये देखिए, यहां पे फ्रंट व्यू का पॉइंट आएगा, और ये तो ऑलरेडी ट्रू लेंथ का पॉइंट है, यहां पे कहीं ना कहीं फ्रंट व्यू का पॉइंट आएगा, तो फ्रंट व्यू का पॉइंट और ट्रू लेंथ का पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं पैरेलल टू एक्स वाई। तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लेवल यहां पे तो ड्रॉ है, लेकिन उसी के साथ साथ टॉप व्यू के साथ भी ऐसा रूल है कि टॉप व्यू का पॉइंट और ट्रू लेंथ का पॉइंट वो भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं पैरेलल टू एक्स वाई। ये देखिए, ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है टॉप व्यू के, ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है। अब इसी, अगर आप यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो यही एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे टॉप व्यू का पॉइंट भी होगा पैरेलल टू एक्स वाई। हम क्या करेंगे, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब यहां पे हम यहां पे बी का लोकस ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमने बी का लोकस बना लिए पैरेलल टू एक्स वाई, हम इसके ऊपर लिख लेंगे कि ये लोकस ऑफ बी है। तो ये हमने लोकस ऑफ बी यहां ड्रॉ कर लिए, और अब हमें ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट साइड में टॉप व्यू का पॉइंट मिल जाएगा। उसी तरह से ये ट्रू लेंथ का पॉइंट है, तो इसके लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि हमने बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स हमेशा ट्रू लेंथ के पॉइंट के लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये ट्रू लेंथ के लेफ्ट साइड में टॉप व्यू, और ये ट्रू लेंथ के पॉइंट के लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू। तो ये कैसे ड्रॉ होगा देखिए, बहुत आसान है। हमने एक और रूल बताए थे कि फ्रंट व्यू को रोटेट करके वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको नीचे का ट्रू लेंथ मिलता, या टॉप व्यू को रोटेट करके वर्टिकली ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो ऊपर का ट्रू लेंथ मिलता है। ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के टाइम आपको रूल बताए थे, बस वही रूल का यूज करके आपको यहां पे फ्रंट व्यू टॉप व्यू फाइंड आउट करना है। यहां ट्रू लेंथ है हमारे पास, हम फ्रंट व्यू से ट्रू लेंथ अगर निकाल सकते हैं तो ट्रू लेंथ से फ्रंट व्यू भी निकाल सकते हैं, तो वही हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रू लेंथ का पॉइंट है, ट्रू लेंथ के पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां से यहां तक ड्रॉ करो। ये देखो, यहां से यहां तक बस एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करो, देन यहां से हम इधर रोटेट करेंगे कीपिंग ए डैश एज अ सेंटर, यहां से हम इधर रोटेट करेंगे तो हमें इधर फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए हम वही करेंगे, ये जो ट्रू लेंथ का पॉइंट है, ट्रू लेंथ के पॉइंट से वर्टिकल प्रोजेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये हमने वर्टिकल प्रोजेक्टर यहां तक ड्रॉ कर लिए, और अब कंपास में यहां से लेके ए डैश से लेके यहां तक का लेंथ ले लेंगे और इसको इधर रोटेट करेंगे तो हमें उधर यहां पे क्या मिल जाएगा, हमें उधर फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल जाएगा। तो ये देखिए, हमने कंपास ले लिए, कंपास में ये इतना लेंथ ले लेंगे, देखिए कंपास में इतना लेंथ हमने ले लिए, और अब हमें इसको रोटेट करना है। तो ए डैश एज अ सेंटर लेके आपको रोटेट करना पड़ेगा, ए डैश एज अ सेंटर, ये ध्यान में रखना है। तो देखो, ए डैश एज अ सेंटर लेके हम इसको रोटेट कर रहे हैं, और देखिए ये कहां पे कट रहा है, देखिए यहां पे कट गया,
जहां पे कट गया वहां पे आपको फ्रंट व्यू का पॉइंट मिल जाएगा। तो ये फ्रंट व्यू का पॉइंट मिला, हम इसको नाम देंगे एज अ बी डैश, और अब ये बी डैश और ए डैश को हम ज्वाइन कर देंगे तो हम फ्रंट व्यू का लेंथ मिल जाएगा। तो देखिए फाइनली हमने फ्रंट व्यू यहां पे फाइंड आउट कर लिए, फ्रंट व्यू का लेंथ हमें ए डैश बी डैश ये हमें फ्रंट व्यू मिल चुका है, लेकिन अभी भी हमें टॉप व्यू नहीं मिला। तो टॉप व्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमने रूल बताए थे कि फ्रंट व्यू टॉप व्यू के पॉइंट्स हमेशा एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, हमें वही रूल फॉलो करते हुए यहां आगे बढ़ना है। जैसे ए डैश और ए एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में है, उसी तरह से बी डैश और बी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो ये बी डैश है, और अगर हम यहां से एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पे हमें कहीं ना कहीं बी मिल जाएगा। और जैसा हमने कहा था कि टॉप व्यू का पॉइंट जो हमें यहां मिलेगा वो ट्रू लेंथ के पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा। तो चलो हम यहां पे यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम ये जो वर्टिकल प्रोजेक्टर आपने जो ड्रॉ किए हैं इसको एग्जैक्टली स्केल ऐसा पैरेलल सेट कर लो, और बी डैश से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि रूल्स को फॉलो करते हुए, ये देखिए ये हम यहां से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए हमने बी डैश से एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया, यहां पे कट गया, देखिए जहां पे कटा वो टॉफी का पॉइंट है, तो हमें टॉफी का पॉइंट मिल गया। तो हम इसको नेमिंग दे देंगे एज अ बी, तो ये हमें टॉफी का पॉइंट मिल गया बी, और अब इसको ए से ज्वाइन करेंगे तो टॉफी का लेंथ मिल जाएगा। तो फाइनली सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो हमने सब कुछ फाइंड आउट कर लिए। अब यहां पे जो कुछ भी गिवन डाटा में नहीं दिया था वो आप यहां पे रिजल्ट में लिख सकते हैं। तो हम यहां रिजल्ट लिख सकते हैं, राइट साइड में आपको रिजल्ट हमेशा लिखना होता है, तो ये हम लिखेंगे रिजल्ट, दैट इज हमें ट्रू लेंथ नहीं पता था तो ट्रू लेंथ का लेंथ आप यहां लिख सकते हैं। आप चाहे तो अल्फा बीटा, इसका मतलब फ्रंट व्यू का एंगल टॉप व्यू का एंगल, वो सब कुछ आप यहां पे लिख के आप रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था वो हमने बना लिया, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेसेस भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो चलो यहां पे अब ट्रेसेस बनाते हैं, ट्रेसेस मतलब एच टी और वी टी, तो वो कैसे शो करेंगे उसके लिए एक आपको रूल बताते हैं, बस आपको वो रूल को ध्यान में रखना है। रूल क्या है जरा ध्यान से देखिए, रूल क्या है आप चाहे तो अपने बुक में लिख के रखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। रूल हम यहां पर लिख के देते हैं, हमेशा ध्यान में रखना फ्रंट व्यू एच और वी टी एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल नंबर वन। अब दूसरा रूल, टॉप व्यू वी और एच टी ये भी एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो ये दोनों रूल अगर आपको पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको ट्रेसेस शो करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको ये रूल पता है तो। चलो देखते हैं यहां फ्रंट व्यू एच और वी टी, तो फ्रंट व्यू कहां है सबसे पहले वो देखो, तो फ्रंट व्यू ये है, ठीक है। अब फ्रंट व्यू एच और वी टी, अब ये एच और वी, सबसे पहला काम है एच शो करना, पहले एच शो करने का फिर वी शो करने का, ठीक है, पहले एच और फिर वी, ठीक है। एच और वी हमेशा रेफरेंस लाइन पे होते हैं, क्या कहा हमने, एच और वी हमेशा रेफरेंस लाइन पे ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखो फ्रंट व्यू एच, तो सबसे पहले ये फ्रंट व्यू है, अब एच कहां पे होगा, देखो रेफरेंस लाइन पे कहां पे क्रॉस कर रहा है ये फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन पे कहां क्रॉस कर रहा है, ये फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन पे यहां पे क्रॉस कर रहा है, देखो यहां पे क्रॉस कर रहा है, तो ये है आपका एच, तो कंफर्म हो गया ये एच, तो हम इसको नाम देंगे एच, देखो हमने इसको नाम दे दिया एच, क्योंकि फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन पे जहां क्रॉस होता है वो एच, क्योंकि एच हमेशा रेफरेंस लाइन पे होता है, तो फ्रंट व्यू हमने शो करें, एच हमने शो करें। और अब बचा वीटी, तो वीटी आपको जो शो करना है फ्रंट व्यू एच और वीटी, वीटी बाद में, पहले आप वी शो करो, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि पहले एच शो करना पड़ता वैसे ही आपको वी शो करना पड़ता। तो फ्रंट व्यू और एच हमने शो करे, अब टॉप व्यू और वी शो करो, देखो टॉप व्यू और वी, टॉप व्यू तो है आपके पास, ये देखो ये टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू और वी, वी कहां रहेगा, जैसा एच में रूल था वैसे ही वी में रूल है। एच का रूल हमने क्या बताया कि एच रेफरेंस लाइन पे होता है, तो वी, वी भी रेफरेंस लाइन पे होता है, तो देखो टॉप व्यू और वी, वी रेफरेंस लाइन पे रहेगा, तो ये देखो ये टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पे कहां पे क्रॉस हो रहा है, देखो ये टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पे कहां मिल रहा है, ये देखो ये टॉप व्यू रेफरेंस लाइन पे यहां मिल रहा है, देखो यहां रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है आपकी एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन पे ये टॉप व्यू यहां मिल रहा है, तो ये है आपका वी, तो ये हमें मिल गया वी, तो हमने इसको नाम दे दिया वी, ठीक है, ये मिल गया हमें वी, कंफर्म। तो हमें फाइनली फ्रंट व्यू एच टॉप व्यू वी इतना मिल गया। अब बचा एच टी और वी टी, अब ये एच टी वी टी कैसे शो करना जरा ध्यान दो, बहुत ही आसान है, हमेशा ध्यान में रखो एच और एच टी, एच और एच टी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उसी तरह से वी और वी टी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, क्या कहा हमने, फिर से सुनो, एच और एच टी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हम यहां पे लिख के देते हैं एच और एच टी
एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में रहेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, उसी तरह से वी और वी टी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में रहेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये दिमाग में फिट करो, बहुत ही सिंपल है। तो देखो एच और एच टी, एच और एच टी, एच कहाँ है ये देखिए, एच यहां पे है, एच और एच टी, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, कहां से, एच से, क्योंकि हमने कहा है कि एच और एच टी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एच से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो ये देखिए एच से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते समय ये देखिए, ये हमने लाइन तो ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और ये लाइन कहां पे जाके मिल रही है टॉप व्यू में, जरा वो देखो टॉप व्यू में कहां पे जाके मिल रही है, देखिए ये एच से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और ये टॉप व्यू में यहां पे मिल गई, जहां पे मिला वो आपका एच टी हो गया, देखो एच टी हमें मिल गया। हमने यहां से जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए तो ये वर्टिकल लाइन हमने तब तक उसको एक्सटेंड किए जब तक वो टॉप व्यू के लाइन को मिलती नहीं है, वो क्यों, वो इसीलिए क्योंकि टॉप व्यू वी और एच टी एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, ये देखो ये टॉप व्यू, ठीक है ये टॉप व्यू, ये वी और ये एच टी, देखो टॉप व्यू वी और एच टी, तो हमें एच टी मिल गया और अब बचा वी टी। तो वी टी कैसे, तो वी और वी टी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, हमने कहा था वी और वी टी, तो वी कहां पे देखिए, ये देखिए यहां पे वी है, तो V से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन जो है ये फ्रंट व्यू को कहां पे क्रॉस कर रही है वो देखो, तो ये देखिए फ्रंट व्यू का लाइन ये है, ये फ्रंट व्यू की लाइन को ये जो लाइन है वो यहां पे क्रॉस कर रही है, देखिए यहां पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये है आपका VT, तो हमें VT मिल गया, तो हम इसको नाम दे देंगे एज अ VT, देखो हमें यहां पे पॉइंट मिल गया VT, क्योंकि फ्रंट व्यू H और VT एक लाइन में होते हैं, टॉप व्यू V और HT एक लाइन में होते हैं, तो देखो यहां पे जो हमने रूल लिख के दिया है वो रूल यहां पे करेक्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो फाइनली प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया, ये था प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स किए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के नंबर ऑफ अदर टॉपिक्स भी हमने स्टडी किए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे नए चैनल को विजिट करिए जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स स्टडी के लिए बनाया है। हमारे नए चैनल का नाम है टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स, और ये चैनल का लिंक हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।